वेलकम एवरीवन टू फैन ब्लेज। वो वाला टाइम आ गया है साल का जब आईपीएल इज अराउंड द कॉर्नर एंड हम देते हैं आपको सारी टीम्स के फैंटेसी क्रिकेट एनालिसिस। हम शुरुआत करेंगे फ्रॉम द एक्स चैंपियंस मुंबई इंडियंस। फुल स्क्वाड मिलेगा उनका, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है वो मिलेगा, पंट प्लेयर्स कौन है, परफॉर्मर्स रेगुलर परफॉर्मर्स कौन रहे हैं, फैंटेसी टिप्स दूंगा, प्लस इस वीडियो में 100% बल्लेबाजी बोनस कोड भी है आप लोगों के लिए। एक एक करके सारी टीम्स के हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे बोला स्टार्टिंग विद मुंबई इंडियंस। मैं हूं अकुल ढींगरा एंड लेट अस बिगिन। मुंबई इंडियंस, वेल दे वर रनर्स अप इन 2010, आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम बनी है winning in 2013, 2015, 2017, 2019 and फिर अपना odd year winning jinx तोड़ा और पिछला IPL भी dominate करके आराम से जीता। Overall 120 जीत है मुंबई इंडियंस की एंड 83 losses है, so winning percentage of almost 59%, which is quite fantastic in T20 cricket। अगर मुंबई का overall schedule देखा जाए कि कहां कहां खेलेंगे, पहली 5 game ये लोग खेलेंगे चेन्नई में, चेन्नई के पिचेस थोड़े स्लो होते हैं, फिर आएंगे नेक्स्ट 4 गेम खेलने दिल्ली में, दिल्ली में भी चेन्नई की तरह डेड विकेट्स होती है। बाय द वे अगर आपने मेरा पिचेस एंड ग्राउंड का वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो भी देखिए, वहां पे हमने हर एक पिच हर एक ग्राउंड को डिटेल में डिस्कस किया है। तो पहली 9 गेम्स हुई इनकी थोड़ी स्लोअर सर्फेसेस में, फिर ये लोग जाएंगे बेंगलुरु अपनी नेक्स्ट 3 गेम खेलने और आखिरी 2 गेम खेलने कोलकाता, और ये जो लास्ट 5 गेम्स हैं ये होंगे क्लोजेस्ट टू देयर वानखेड़े स्टेडियम होम ग्राउंड कंडीशंस। बट फिकर नॉट, इनके जो स्क्वाड है यहाँ पे सब कुछ कवर्ड है। क्या है इनका स्क्वाड? इंडियन प्लेयर्स में कैप्टन बाय रोहित शर्मा, देन दे हैव ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, मेकिंग दैट मिडिल ऑर्डर वेरी स्ट्रॉन्ग। सौरभ तिवारी एक बैकअप है, जयंत यादव एक स्पिनिंग बैकअप है फॉर समवन लाइक कृणाल पांड्या, युद्धवीर सिंह, राहुल चहार जो प्लेइंग 11 में होगा, अर्जुन तेंदुलकर मे बी गेट्स अ गेम और टू इन द सीजन, अनुकुल रॉय एक एक्सीलेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आदित्य तारे है एज द थर्ड बैकअप विकेट कीपर बट आई डोंट थिंक ही विल गेट अ गेम, धवल कुलकर्णी वेरी गुड बॉलर, पीयूष चावला इस सीजन इस टीम में आया है, मोहसिन खान, अनमोल प्रीत सिंह गुड बैट्समैन, जसप्रीत बुमराह द मेन मैन। फॉरेनर्स में कौन कौन है? क्विंटन डिकॉक जो ओपन करेगा एंड अगर उसकी जगह इनको क्रिस लिन को खिलाना हो वो भी कर सकते हैं, कायरन पोलार्ड उस मिडिल ऑर्डर का सबसे हार्ड हिटिंग प्लेयर, यू हैव ट्रेंट बोल्ट द बिगेस्ट लेफ्ट आर्म थ्रेट एंड इन ग्रेट फॉर्म फॉर मेनी इयर्स नाउ, नेथन कुल्टनाइन, इट विल बी अ जगल बिटवीन हिम एंड एडम मिलने गेटिंग अ गेम, मार्को जॉनसन वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस यंगस्टर, इसके बारे में आगे बात करेंगे, एंड देन they have picked up James Neesham this season who makes an excellent backup for someone like Pollard. So early on in the season inka playing 11 kya ho sakta hai? Well, Rohit Sharma of course at the top of the order and uske saath left armer Quinton de Kock open karega, 3 and 4 pe you can see Ishan Kishan and Surya Kumar Yadav or Surya Kumar Yadav and Ishan Kishan, then there's Hardik Pandya and Kyron Pollard. So what Mumbai have covered unlike other teams is a very very strong middle order, Krunal Pandya at number 7, then you have Rahul Chahar as the leg spinner, you have Trent Bolt and Jasprit Bumrah as the star pace bowlers and the raw pace of Adam Milne. Ye team perfect hai kyunki aap Trent Bolt and Milne ke sath open kar sakte hain bowling kyunki Jasprit Bumrah ko end overs tak bacha ke rakhenge. Even Krunal Pandya can bowl a few overs in the power play and the biggest plus is Hardik Pandya is season bowling karega. Agar De Kock ka form upar niche raha to Chris Lynn can also come in as the hard hitting opening batsman and by chance agar ek extra बॉलर डालना हो आप ईशान किशन को ओपनिंग करवा के जिमी नीशम को भी इन दैट मिडिल ऑर्डर खिला सकते हैं। राहुल चहार का फॉर्म अगर खास नहीं रहा देन यू हैव पीयूष चावला इन दैट टीम एज वेल हु कैन आल्सो बोल इनसाइड द पावर प्ले एंड एडम मिलने और कुल्टन नाइल के बीच में जगल होएगा, अगर कुल्टन नाइल खेलता है तो ही एड्स टू दैट बैटिंग एज वेल, बट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर, एक्सीलेंट ओपनिंग बैट्समैन, हर प्लेयर का बैकअप है इस टीम में, क्विंटन डिकॉक का डायरेक्ट बैकअप ईशान किशन है नहीं तो क्रिस लिन है, हार्दिक पांड्या या कायरन पोलार्ड के लिए यू हैव जेम्स नीशम, क्रुणाल पांड्या की जगह यू हैव जयंत यादव, राहुल चहार की जगह यू हैव पीयूष चावला, ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म पेसर है, यू हैव समवन लाइक मार्को जॉनसन एज वेल हु इज अ लेफ्ट आर्म रॉ पेस बोलर, एडम मिलने का बैकअप कुल्टन नाइल है एंड ये वाला लास्ट बैकअप मैच तो नहीं करता मगर जसप्रीत बुमराह की जगह यू हैव धवल कुलकर्णी। सीजनड परफॉर्मर्स कौन रहे हैं मुंबई इंडियंस के? ये देखिए क्विंटन डिकॉक पिछले 2 सीजन 503 रन और 529 रन 141 और 133 के स्ट्राइक रेट के साथ, देन यू हैव ईशान किशन हु हैड अ ब्रेकआउट सीजन लास्ट सीजन
516 रन थे, 57 की एवरेज, 146 का स्ट्राइक रेट एंड द मैक्सिमम सिक्सेस इन द लास्ट आईपीएल 36 के साथ। सूर्य कुमार यादव हैज बीन ट्रिमेंडस इन द लास्ट थ्री सीजन्स। 2020 में 512 रन थे, 2019 में 424 रन थे और 2018 में 480 रन थे। ही इज अ वेरी वेरी सेफ बेट। जसप्रीत बुमराह, जस्ट लुक एट दैट, ही इज अ डेथ बोलर फॉर मुंबई एंड पिछले सीजन 27 विकेट्स एट 6.7 की इकोनॉमी रेट एंड उससे पिछले सीजन 19 विकेट 6.6 के इकोनॉमी रेट से एंड इन द डेथ ओवर्स हिज इकोनॉमी रेट इज 7.5 एवरेज इन द लास्ट थ्री सीजन्स एंड देन ईयर आफ्टर ईयर Kyren Pollard does what he does best. He handles that lower middle order and gives Mumbai the best finishes. 268 runs the iske pichle season. Look at that strike rate. 191 ka strike rate. And Pollard is in tremendous six hitting form as always. 6 chakke maar ke aa raha hai versus Sri Lanka ek over mein. Punt performers kaun hai? Aap log shock hoenge ki maine Rohit Sharma ko yahan dala hai. Magar agar Rohit Sharma ke last 4 IPLs dekhe jaye, he only averages 25 at a strike rate of 128. But he is a big game player and he proved that in the last IPL final with a 50 plus score. Then you have Hardik Pandya, actually he's a seasoned performer as well, but is bari he adds the bowling element as well jo pichle season nahi tha. To 2-3 over aapko agar Hardik se mil bhi gaye, you know ki wo finishing overs mein chhakke bhi zarur marega. Rahul Chahar, he's a quick arm leg spinner, he's a big punt performer especially in the first 9 games because pehli 5 game Chennai mein hai, next 4 Delhi mein hai, dono slower wickets hoti hai. You have Trent Bolt. मैं तो honestly Trent Bolt और बुमराह को अपनी टीम में रखूं क्योंकि एक डेथ में विकेट लेगा और Trent Bolt आपको पहले पावर प्ले में थोड़ी सी भी हेल्प मिले विकेट से या एक्चुअली ना भी मिले एक विकेट कम से कम लेके देता ही है एंड दैट्स व्हाट ही डिड बेस्ट लास्ट सीजन एज वेल. देन वी हैव जिमी नीशम. वी नो ही हैज अ ग्रेट सिक्स हिटिंग एबिलिटी, डेथ में आके बोलिंग भी कर जाता है, रिसेंटली एक 5 विकेट हॉल भी है एंड देन देयर इज मार्को यानसन. साउथ अफ्रीका का लेफ्ट आर्म फास्ट बोलर है, ही हैज रॉ पेस और हिट द डेक बोलर है और इसको आप मोस्ट प्रोबेबली टीम में देखेंगे इन द कोलकाता लेग जो लास्ट 2 गेम्स होगी क्योंकि कोलकाता के ग्राउंड में थोड़ी सी पेस भी होती है. जो मैच मार्को यानसन खेलेगा रॉ पेस से टीम्स को तंग जरूर करेगा. अब सबसे सेफ पिक्स कौन होंगी फैंटेसी टीम्स में? दैट्स गोइंग टू बी क्विंटन डिकॉक. मैंने अभी आपको दिखाया पिछले 2 सीजन में 500 प्लस रन्स हैं. ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, वो मिडिल ऑर्डर इनका हमेशा सेफ पिक रहा है एंड स्पेशली हार्दिक पांड्या नाउ बोलिंग एज वेल एंड यू हैव जसप्रीत बुमराह एंड ट्रेंट बोल्ट. ट्राई टू कीप बोथ ऑफ देम इन योर टीम. And then you have Rahul Chahar because he has the tendency to pick up wickets. And punt picks कौन रहेगी? Kyren Pollard. अगर top order form में रहा इसकी ज्यादा batting आएगी नहीं, मगर अगर आई you know कि आपको 150 plus strike rate से run मार के देगा. Rohit Sharma big game player है. Chris Lynn अगर खेले he becomes a great punt pick. Marco Jansen जैसे मैंने बोला जब खेलेगा. एडम मिलने एक्सपेक्ट करिए ये शुरुआत करेगा टूर्नामेंट में, तो आपको चूज करना होगा बोल्ट, बुमराह और मिलने में से 2 बॉलर. पीयूष चावला है, ही हैज अ टेंडेंसी टू पिक अप विकेट्स इनसाइड द पावर प्ले एंड देन यू हैव नेथन कुल्टनाइल, थोड़े बहुत बैट से भी रन मार देता है बट ही इज ऑल्सो वेरी गुड इन द डेथ ओवर्स. अब आपको डिटेल में प्रीव्यू दे चुका हूं मैं मुंबई इंडियंस का. मेरी प्रिडिक्शन ये है एंड आई एम श्योर आप सबकी भी यही होगी, दे आर लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, दे हैव बैकअप्स फॉर एवरीवन, दे विल फिनिश इन द टॉप 2 इन द ग्रुप स्टेज. फाइनल्स पहुंची तो जीत जाएगी आईपीएल बट टॉप 4 फिनिश तो इनकी पक्का है. देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये आईपीएल जीत के हैट्रिक लेगी अपने आईपीएल विंस की. आप लोगों को क्या लगता है कहां पे खत्म करेगी मुंबई इंडियंस ये टूर्नामेंट? प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड ये है बल्लेबाजी 100% बोनस कोड आप लोगों के लिए आईपीएल बोनस, आईपीएल BONUS. ये वैलिड है पूरे आईपीएल 30th May 2021 तक, एक ही बार आप यूज कर पाएंगे एंड 100 रुपए से लेके 5,000 रुपए तक आप ये कोड यूज करके अगर डिपॉजिट करेंगे बल्लेबाजी में आपको उतना ही अमाउंट बल्लेबाजी मैच करके देगी टू प्ले ऑन द बल्लेबाजी ऐप. सो आई होप यू एंजॉयड द मुंबई इंडियंस का टीम प्रीव्यू वीडियो. नेक्स्ट वीडियो आ रहा है आप लोगों के लिए दिल्ली कैपिटल्स का, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, फॉलो अस अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया इंक्लूडिंग टेलीग्राम. नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं एंड अगर आपके पास हमारी ऐप डाउनलोडेड नहीं है प्लीज डाउनलोड करिए क्योंकि वहां पे बहुत सारे फैंटेसी एक्सपर्ट्स हैं जो आपको द बेस्ट फैंटेसी टीम्स देंगे थ्रू आउट आईपीएल. ऐप स्टोर पे भी है, प्ले स्टोर पे भी है और नीचे लिंक भी है डाउनलोड करने का ऐप. आप मुझे भी फॉलो करिए ऑन इंस्टाग्राम @AkulDhingra. आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वन.